स्ट्रगल है इसके पीछे, ये जो हस्तकला है, बंजारा हस्तकला, ये लैंग्विशिंग आर्ट में चली गई है। वैसे तो मैं छोटी से बड़ी ही इसी में हुई, ये हस्तकला, मेरी माँ दादी ये सब बनाते थे तो मैं देखते ही बड़ी हुई। उसके बाद 2000 में मेरी शादी हो गई, तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ही इंटरेस्टेड थे उसमें। वैसे तो ये माँ से ब्रिटिश को मिलने वाला वारसा जो बोलते हैं उसे, तो फिर मेरे शादी के बाद मैंने मेरे हस्बैंड से ये सब सीखा, क्योंकि वो खुद बनाते थे, मेरी सास के सास से उन्होंने सीखा, फिर उनसे मैंने सीखा और मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने उसमें काम शुरू किया। 2000 से 2004 तक मैंने खुद पूरे जितने ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें थी उसका डुप्लीकेट बनाए हमने, और उसके बाद 2004 में हमने हमारा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया। सब महिलाएं हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी इंटरेस्टेड महिलाएं हैं। फिर मैंने खुद से शुरू किया, फिर मेरे गाँव में मैंने पूरी मेरी महिलाओं को मैंने ट्रेन किया, पहले मेरा घर, फिर मेरा गाँव, और फिर मैं तालुका लेवल पर काम पे गई। हमारे हर तांडे में जाके महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे कि आप ये हस्तकला में कुछ न कुछ अपना खुद का बना सकते हो आप। भारत सरकार वस्त्र उद्योग मंत्रालय जो है उनका अंबेडकर हस्तशिल्प योजना के अंतर्गत हमने 682 महिलाओं का 5 साल का प्रोग्राम रन किया। वहाँ हमने उनको ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सिर्फ खुद के लिए जो हम ड्रेस बनाते हैं इससे भी हम सिर्फ वो ही नहीं तो हम इसमें रोजगार की निर्मिति कैसे कर सकते हैं, ये हमने उनको सिखाया वहाँ पे। मोदी सरकार जी का ये बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और उनसे मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप इतने छोटे छोटे विलेज में, छोटे छोटे गांव में आपकी जो सुविधाएं आप पहुँचा रहे हैं हर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, छोटे छोटे विलेज में जाके जो उन्होंने ये KVIC थ्रू या खादी थ्रू जो हमें यहाँ पे रोज़गार की जो ये उपलब्ध करके दी है, उनका मैं बहुत ही तहे दिल से, मेरी पूरी महिलाओं की तरफ से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज हमारी 450 महिला वहाँ पे सक्षम है, खुद के पैर पर खड़ी है, और वो हर एग्जीबिशन में, हर खादी का हो या महालक्ष्मी सरस हो या सूरजकुंड दिल्ली, हर जगह जाके आज हमारी परली की महिलाएं, 150 महिलाएं सक्षम है और खुद का बिजनेस कर रही हैं।